नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों मोहसिन रजा का जन्म 15 जनवरी 1968 को सफीपुर उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी। उसके बाद 10वीं 12वीं की पढ़ाई जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ से किया था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। रजा की पत्नी का नाम फौजिया सरवर है। वह मूल निवासी लखनऊ की रहने वाली हैं। उन्होंने MBA तक की पढ़ाई की है। मोहसिन रजा के पिता का नाम यज्जे रजा है। उनके पिता और मोहसिन रजा दोनों चार भाई थे। मोहसिन रजा ने LDA विद्युत विभाग में पहले नौकरी करते थे। उन्होंने BRS लिया है। इसके बाद 2013 में राजनीति में आए। मोहसिन रजा मणिपुर से राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के दामाद हैं। एक भाई उनका कांग्रेस का सदस्य है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के माध्यम से उन्होंने BJP ज्वाइन किया। मोहसिन रजा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी भी माना जाता रहा है। वह अपने समय में रणजी खेल चुके हैं। मोहसिन रजा साफ सुथरी के नेता हैं। वह योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। रजा को प्रदेश सरकार ने मंत्री बना के जनता के बीच में एक अच्छा संदेश देने का कार्य भी किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।